हमने देखा, हमने पाया, भोला भगवान। इतना मीठा, इतना प्यारा शिव भोला की अनुपम।
ओम शांति। अवयक्त सिग्नल्स ओम शांति। ये पावर अव्यक्त ऑफ इशारे बिहेवियर्स निर्भयता की बिलीव्स शक्ति को कॉन्शियस धारण कर अचल इमोवेबल अडोल एंड एक कॉन्शियस स्थिति बनाओ। विद द प्रैक्टिस ऑफ सोल कॉन्शियस स्टेट आत्मिक स्थिति के यू कैन अभ्यास मेक द से एटमॉस्फेयर स्मूथ वायुमंडल को एंड रूहानी दैट बनाओ माइंड विल वर्क तो और सब ऑटोमेटिकली बातें वर्क आउट फॉर स्वतः यू। ठीक हो जाएंगी। एवरीवन विल बी सब यूनाइटेड इन एक वन मत डायरेक्शन और एक रस हो एंड बिकम जाएंगे। कॉन्स्टेंट एंड देन फिर बिकॉज़ द माया एनर्जी भी नहीं सिस्टम आएगी विल बी पावरफुल क्योंकि वायुमंडल माया शक्तिशाली विल होगा। वर्क। इन ऑर्डर टू मेक द वायुमंडल को एटमॉस्फेयर पावरफुल शक्तिशाली बनाने के लिए मेक अ प्रोग्राम याद के फॉर प्रोग्राम प्रोग्रेस रखो एंड हैव और आप क्लासेस उसमें एंड उन्नति के सीक्रेट लिए चिट चैट रू रूहान की अबाउट योर क्लासेस करो, प्रोग्रेस। स्नेह मिलन करो, हैव लविंग धारणा की क्लासेस क्लासेस रखो तो सफलता लविंग मिल क्लासेस जाएगी। ऑन धारणा एंड यू विल रिसीव सक्सेस। ओम शांति। ओम शांति। शांति। वेलकम ओम टू व्यक्ति शांति। परिवार। व्यक्ति टुडेज डे परिवार में 17 आपका स्वागत है। सी लेनन आज क्रिस्टियस दिन ऑन 17 उमंग फ्लाइंग स्टेज। उत्साह फुर्ती कला फुर्ती फ्लाइंग स्टेज मींस बेनिफिट फॉर एवरीवन। कला माना शिव सर्व का भला नाउ वी विल शिव लिसन टू आवर शक्ति। देवी। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। शांति सबको। एवरीवन इज वेल ओके। फ्लाइंग सब ठीक है। स्टेज सब ओम उड़ती कला का अनुभव कर रहे हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छा। आई वाज थिंकिंग दैट वन ऑफ द बेनिफिट मैं सोच रही थी दैट वी हैव दिस इवनिंग सेशन टुगेदर कि शाम को ये इज टू सेशन जो स्पेंड होता है कॉन्सेंट्रेटेड वन एंड हाफ आवर। उसका एक फायदा ये है कि हम एकाग्र होकर डेढ़ घंटा बैठते हैं। रिवीजन हम यज्ञ मॉडल की पॉइंट कहानियां सुनते नोट्स हैं, मुरली के पॉइंट रिवाइज एंड करते हैं, रियली स्टार्ट मेकिंग डिफरेंस इन लाइफ तो ये इससे जरूर मेबी वी हमारे कैन जीवन डू में परिवर्तन हो रहा है। इट इन 2 3 डेज बट इफ वी कीप डूइंग इट एक एंड दो दिन नोटिंग द में बेनिफिट भले परिवर्तन कंसिस्टेंट न हो, लेकिन अगर हम वे करते चलेंगे तो यू डोंट इससे मिस बहुत फायदा होता एन है। इवनिंग क्लास एनीवेयर फॉर 1 1/2 आवर। कहीं पर भी हम ऐसे इवनिंग क्लास में 1.5 घंटा नहीं बैठते। योगा अर्ली मुझे पता है कुछ लोग कॉन्सेंट्रेशन आप लोग योगा में बैठ जाते हो, डेफिनेटली जल्दी ही बैठ रियलाइजिंग जाते हो, तो बेनिफिट आत्मा को तो जरूर बहुत बहुत लाभ हो रहा होगा। बाबा सेज वी हैव टू बी और एम्बॉडीमेंट बाबा कहते हैं कि हमें ऑफ आवर स्वरूप बनना कॉन्सेंट्रेशन है, स्मृति स्वरूप बनना है। एंड देन लेट मी बी दैट इमेज स्वरूप। तो हमें वो स्वरूप बनना है। सो आई व्हेन आई हर्ड एंड देन आई सेड जो मैंने ये सुना तो 10 minutes let me मैंने सोचा कि 10 मिनट के लिए or be embodiment of being Shiv Shakti. मैं शिव शक्ति का स्वरूप बन जाऊं। It is so interesting when, as Baba says, जैसे we बाबा want to कहते develop हैं the image of experience, कि हमें अनुभव then की Shiv
मूर्ति भी बनना है. इसका मतलब अगर किसी से मैं मिल रही हूँ तो उस समय मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं शिव शक्ति हूँ. अगर मैं ये तस्वीर सामने रखूं और साथ में अंदर से वो शक्ति का अनुभव करूं और मैं ये स्मृति मेरी रहे कि मुझे क्या अनुभव करना है अगर मैं शिव शक्ति के रूप में अपने आप को देख रही हूँ. आप लोगों में से किसी ने किया भी होगा अनुभव, लेकिन कल के लिए आप अमृत वेला में 15 मिनट के लिए आप ये सोचें कि मैं शिव शक्ति हूँ. ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल चीज की बात है, लेकिन हमारी स्मृति में हमारी स्मृति बहुत शक्तिशाली होती है. तो ये फिजिकल एनर्जी की भी बात है यहाँ पर. जैसे हमारे अंदर अगर डर होता है तो फिर हमारी शरीर भी हिल जाता है ना, और उसमें प्रभाव आता है और हमारे 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 मुख में भी जैसे एक सुखापन आ जाता है. तो उसी तरह से हम अगर शिव शक्ति अपने आप को स्वरूप में देखेंगे तो अंदर से वो शक्ति जागृत होंगी. आप लोगों ने सुना होगा कुंडलिनी, ये शब्द कुंडलिनी क्या है, इसको वो कहते हैं कि शक्ति का जागरण है कुंडलिनी माना. तो हमको तो इसको सत्य करना है ना, ऐसा नहीं कि बस हमें जानना है, लेकिन उस चित्र को सामने रखते हुए हमें उसका प्रयोग करना है. तो कल हम ये करेंगे और मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं कि सेवा के लिए हमें ये प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अपने लिए भी हमें उस स्वरूप में उस स्थिति में हमें रहना है. तो 15 मिनट के लिए हमें पता है शिव बाबा कौन है. तो बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी या ज्ञान का सागर या शांति का सागर, इस स्वरूप में बाबा को याद करें और मैं शक्ति उनके साथ जुड़ रही हूँ और फिर अपने आप को चार्ज कर रही हूँ शक्ति से. और कैसा मुझे अंदर से अनुभव हो रहा है उस कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड स्वरूप में क्या अनुभव कर रही हूँ, ताकि फिर मैं उस स्वरूप को यूज कर सकूं जब भी मुझे जरूरत पड़े. तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, या फिर कोई कार्य करते समय भी हमें वैसा स्वरूप की आवश्यकता होती है. भले हम कहते हैं कि हम सब निर्भय हैं, लेकिन फिर भी हम सबके अंदर सूक्ष्म डर तो है किसी न किसी प्रकार का. ऐसा नहीं बाहर की दुनिया से कोई डर, लेकिन अंदर से सूक्ष्म तरीके का डर रहता है. जैसे ईगो के लिए भी कहते हैं ना, अंदर हमारे सबके अंदर ईगो है. जैसे दादियों के लिए भी कहते, दादियां भी कहती थी कि वो देह का अभिमान रहता है अंदर. जब शुरू में वो माउंट आबू आए या कराची में भी, तो उन्हें कोई ऐसे सिक्योरिटी कोई सेफ्टी के लिए किसी को नहीं रखा था. लेकिन दादी जी खुद सिक्योरिटी, जैसे रात भर बैठ करके गार्ड करते थे, तो उनके पास बिल्कुल भी डर नहीं था. कोई आएगा, कोई आकर हमला करेगा, ऐसा कोई डर नहीं था उनके पास. तो बहुत ही जैसे निर्भय थे. मुझे पता है दादी प्रकाशमणि बहुत ही, उनके पास कोई डर नहीं था, वो निर्भय रहते थे.
और पार्टीशन के समय भी सेंटर जो है सेंटर भी खोलते थे, उनको पता नहीं रहता था वो कहाँ है। आपने कहानी सुनी होगी कि वो तो गंगा किनारे यमुना किनारे वो सोते थे। वहां पर एक पहलवान ने उनको देखा कि ये बहने यहाँ पर बहने रहती हैं यहाँ पर, तो मैं इनकी रक्षा करूंगा अगर कुछ होता है तो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि वो बहनों ने एक्चुअली में उनकी उसकी मदद करी। तो कोई भी डर की परिस्थिति आए, भय की परिस्थिति आए, लेकिन हमें इस स्वरूप में रहना है, स्मृति में रहना है, मैं शिव शक्ति हूँ। जैसे कई कई ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग आपके सामने हैं, आपको भाषण देना है, तो आप खड़े होते हैं उनके सामने शिव शक्ति के रूप में और आप कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बाबा जो कह रहे हैं स्मृति की बात, तो अगर उसको हम स्मृति स्वरूप बन जाएं, तो फिर हम उसका अनुभव करने लग जाते हैं। और यही इस समय है जब हमें करना है। हमको रोज होमवर्क के पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मंथन करने की बात है, लेकिन प्रैक्टिस भी करना है और फिर वो बनना है, स्वरूप बनना है, ताकि हम सिर्फ वो शक्ति का रूप ही नहीं बने, साथ में हमें अपने श्रेष्ठ स्वरूप में भी स्थित होना है। तो ये कुछ शब्द कि स्वरूप बनना, अनुभव की अनुभव की इमेज रख बनना, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा। तो होमवर्क करना माना सिर्फ पॉइंट को स्मृति में रखकर उसका विचार सागर मंथन ही नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिस करना। जैसे हम कैपेसिटी की बात करते हैं ना कि कुछ करने की अंदर से क्षमता जिसको कहते हैं, लेकिन क्षमता माना हमारे मन में एकदम क्लैरिटी हो, तो वो अंदर की सूक्ष्म क्षमता हमें बढ़ानी है। सबके अंदर सूक्ष्म क्षमताएं हैं। कोई बड़ी परिस्थिति आ जाती है, अगर बहुत बड़ी परिस्थिति में भी अगर हम कुछ फील नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी अंदर की क्षमता बहुत हमने बढ़ाई हुई है। तो हम उसको टेस्ट कैसे करें, जैसे सहन शक्ति की क्षमता हमारे अंदर कितनी है। मुझे याद है हम स्मॉल ग्रुप में थे और किसी ने ऐसे कमेंट किया, लेकिन वो आत्मा सिर्फ मुस्कुराती रही। उसके बाद हम उससे पूछ रहे थे कि आपने कैसे ऐसे किया, तो उन्होंने कहा मैंने तो बुरा नहीं माना, मैंने बुरा नहीं माना। तो उन्होंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे क्या डर। तो उस ऑनेस्टी से उन्हें शेयर किया। कई बार लोगों को अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है और फिर उसको वो बात को पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ना मुश्किल होता है उनके लिए, वो अपने आप को दुख देते रहते हैं। तो हमारी क्षमता, कई लोगों में जैसे बहुत धैर्यता होती है, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा, मुझे लगता है भगवान को हम सबके प्रति, हम सबके लिए बहुत धैर्यता है।
वो हमको हमारे लिए उम्मीद नहीं छोड़ते हैं. He knows that one day we will do it. उनको पता है कि हम सब एक दिन बनकर दिखाएंगे उनके समान. अब कहते हैं कि पहले कल्प में भी करे हैं. उनको पता है कि हम पहले भी विजयी हो चुके हैं. So he never lost patience. तो बाबा ने कभी धैर्यता नहीं छोड़ी या फिर हमारी हमारे प्रति उनकी दृष्टि कभी बदली नहीं. जैसे दादी जानकी के लिए कहते हैं कि दादी जानकी सबके लिए शुभ भावना रखती थी, सबके लिए सदा रखती थी. कई बार कई लोग कहते थे कि दादी ये कभी नहीं बदलने वाले, आप कुछ भी कर लो. लेकिन वो कहती थी कि नहीं, ये कोई ब्लेसिंग नहीं है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए. हमें ब्लेसिंग है कि ये बदलेगा, तो ये जरूर बदलेंगे एक दिन. आज सुबह मैं ये सोच रही थी कि हमें अपनी क्षमता बढ़ानी है दूसरों को ब्लेसिंग देने की, अपने संकल्पों द्वारा, शब्दों द्वारा, दृष्टि द्वारा, अपने प्रेजेंस द्वारा. तो हमें सबको ब्लेसिंग्स देनी है, क्योंकि कितना हम ज्ञान दूसरों को सुनाएंगे, कितना कोर्स कराएंगे. मैं तो नहीं कोर्स कराती, तो लंदन में हम कोर्स कराते थे और दादी जानकी के सामने उस आत्मा को लाते थे. बॉडी बहन भी थी, चार्ली भाई थे, ब्रदर कैन थे. तो दादी उनको बस दृष्टि देती थी और फिर वो पक्का ब्राह्मण बन जाते थे. So this is like we call grand blessings, give blessings. तो इसलिए हमें सबको blessings देनी है. And this is what all the souls need these days. और ये यही blessings ही तो सब आत्माओं को चाहिए. तो इसके बारे में सोचें. This kind of capacity. तो शिव शक्ति क्या है? शिव शक्ति तो वो हमारी अंदर की क्षमता है. जैसे बाबा है कल्याणकारी, तो मेरे अंदर कितनी क्षमता है कल्याणकारी बनने की, सबके लिए भला हो, सबका फायदा हो, सबका कल्याण हो. तो सब उसको फील करें. जब आप जो बोल रहे हैं आपके आपको देखकर, आपकी कंपनी, आपके संग में उनको फायदा हो. तो ये अलग तरीके की सेवा, सूक्ष्म सेवा कर सकते हैं. आप समय के बाद तो हम शायद इंटरनेट भी यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां पर भी हम हैं, हमारी सूक्ष्म शक्तियां वो हमें यूज करनी है. तो शक्तियां, वो सूक्ष्म शक्तियां हमारे पास रहे, उसके लिए हमें स्वरूप बनना है. और आप सबसे पहले तो आप ही उसका अनुभव करेंगे. I think it was on Sunday when I was offering bhog in New. संडे को जब मैं ऑफर कर रही थी भोग न्यू जर्सी में, तो बाबा ने कहा कि मैं हरता भी हूँ और देता भी हूँ. जैसे लोग आते हैं तो अपना अंदर का निकालने के लिए आते हैं, अपनी प्रॉब्लम ही बताते रहते हैं, कुछ सुनते नहीं है लेकिन प्रॉब्लम ही बताते रहते हैं. तो कैसे, तो आत्माओं को किस तरह से अनादि स्वरूप में लाएं, उनसे उनको बताएं कि ये आप ये हो. But you have to be original. I always like this eternal and original stage. मैं सब हमेशा कहती हूँ अनादि और आदि स्वरूप. I like this stage to practice. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्थिति का अभ्यास करना, क्योंकि उससे फिर आप एकदम साइलेंट हो जाते हैं. उसमें कोई किसी के प्रति कोई जजमेंट नहीं होता. और फिर किसी और दूसरों को भी हमें मदद करनी है उस स्थिति का अनुभव करने के लिए, ताकि वो
ओरिजिनल स्टेज में आने का अभ्यास करें और वो दैवी दैवी गुणों का भी अनुभव कर सके। कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, क्षमता समझने की क्षमता, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, दूसरों के संकल्पों को समझना, जब समझ लेते हैं तो फिर बहुत इजी होता है उस आत्मा के साथ रहना, लेकिन अगर नहीं समझते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है निर्भयता, ऐसा वातावरण बनाना, निर्भयता का वातावरण बनाना। इसी मैंने कहा कि एक सब सब लिस्ट बनाए कौन कौन से भय अभी तक है, और मैं बहुत लंबे लिस्ट बनाने के लिए नहीं कह रही, लंबी लिस्ट बनाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन छोटी लिस्ट बना सकते हैं भय की, जो पास्ट में हुआ वो आ सकता है, इमर्ज हो सकता है। becoming equal or बाबा जो कहते हैं कि बाबा के समान बनना, बाबा के प्यार में समा जाना, सागर में समा जाना, तो स्मृति की लिस्ट बनाए, जैसे बाबा ने कहा कुछ लिस्ट बनाए, थोड़ी लिस्ट बनाए और उसका स्मृति स्वरूप बन जाए। अगर सिर्फ स्मृति है तो सिर्फ स्मृति से शक्ति नहीं आती, तो स्मृति स्वरूप बनना है, सिर्फ स्मृति से नहीं चलेगा, वो समर्थ ही तभी आएगी जब उसका स्वरूप बनेंगे। तो हम सब हैं शिव शक्तियां संगम युग की, निर्भय और सबके लिए सदा शुभ भावना और शुभकामना। Welcome to Vikti Journey, Sakar. Vikti Journey में आपका स्वागत है, साकार मुरली। सर्व समाचार आते हैं ना बच्चे, तो रूहानी सेवा तो करनी है, जब बाप आए हैं सब लोगों की सेवा कर ले, और ये सारे सृष्टि के चक्कर का राज समझा ले, और पतित से पावन बनाने का भी रास्ता बता ले, और इजी सहज को इजी कहा जाता है ना बच्चे, सहज याद भी सहज है। कभी भी कहा योग अक्षर नहीं करना, क्योंकि योग अक्षर कहने से वो हठ योगी पर बैठ के प्रश्न पूछेंगे बहुत, और तुम बच्चों को वास्तव में कोई आते भी है यहाँ तो कोई जास्ती बात करने की तरका नहीं है, याद है, फॉर्म भरने से भी मालूम पड़ते हैं कि हमारा वो बाप कौन है, पूछा जाते है ना मुझे कि तुम्हारे आत्मा का बाप कौन है, तो ये तो बच्चे जानते हैं कि जितने हैं मनुष्य इतनी है मत, कोई किसको कहेंगे कि किसको कहेंगे, तुम ये एक बच्चे हो ब्राह्मण जो झट कहते हैं कि हमारा बाप तो
उच्चते ऊंचा शिव बाबा है, हेलो वो उच्चते ऊंचा भगवत दराकार भी वही है जिसकी पूजा वगैरह भी करते हैं, तो उनको ही बैठ करके वेद का बाबा सिद्ध करना है। बस जब वेद का है तो वेद का वर्षा भी देता है, और फिर ये भी सिद्ध करते हैं कि आता है जो वो भी बताना है। शिवरात्रि किसको कहते हो? मनाते तो है ना बच्चे शिवरात्रि, तो शिवरात्रि का अर्थ तो बेचारे समझते ही नहीं है। तुम समझते हो तो और को ऊपर तरस पड़ता है, बेचारे कुछ नहीं समझते है। भला क्यों नहीं, कुछ भी नहीं समझते हैं? क्योंकि यहाँ ही भक्ति मार्ग में है, ज्ञान को जरा भी नहीं समझ सकेंगे, क्यों? ज्ञान है नई बात, नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू, तो एवरीथिंग न्यू नई दुनिया के लिए बाप आते हैं, जो नई दुनिया के मालिक बनते हैं उनको बैठ करके सिखलाते हैं, समझाते हैं, और तो कोई जान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्यूटली नई बात है। बाप समझा कि वो है भक्ति और ये है ज्ञान, तो विचार करो सारी दुनिया में है भक्ति, बाकी तुम मुठ में हो, जिनको बाबा ज्ञान देते जा रहे हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। परंतु भक्ति तो बहुत बड़ी है ना बच्ची, सारा झाड़ है जैसा एक तरफ में, अब बाकी तुम कितने हो थोड़े, तो इसलिए वो बेचारे इतना समझ नहीं सकते हैं। अब आपने समझाया है कि बच्चों जो उन्होंने कल पहले समझाया वही समझेंगे, इसके लिए तुम लोग फिक्र मत करो, गलाक गलाक भी तो मेहनत करेंगे तो भी नहीं समझेंगे। तुम लोग ने बहुत मेहनत किया, बहुतों से मेहनत किया है, और उसके बाद मुश्किल से पैर टिके हैं, टिके हैं, नई दुनिया पर पैर धरना है बच्चे, तो टिकता नहीं है, क्यों नहीं टिकता है? माया पैर उखा देती है, झट रही का मैदान है नहीं बच्चे। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, ओ मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, जमाना जो देना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जैसे किले दे रूहानी बच्चों पर मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। तीन बार मेडिटेशन बैठी और अब मैं आमंत्रित करूंगी रिश्तों को आज व्यक्ति टीम एंजल में। पवित्रा सिस्टर हैं, अपना अनुभव बताएंगे, तो मैं सिस्टर सेरा और सिस्टर पवित्रा को आमंत्रित करती हूँ, आपका स्वागत है। ओम शांति मोहिनी दीदी, ओम शांति मोहिनी दीदी, शांति मोहिनी दीदी, ओम शांति फरिश्तों का परिवार। कैसे बाबा सब व्यक्ति एंजल्स को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब व्यक्ति एंजल्स से मिलने का हमें अवसर मिल रहा है, व्यक्ति परिवार की जैसे एक जैसे सफलता है।
to hear the experience of our Baba aaj hame le chal rahe hain Korea mein. Sister Pavitra, welcome. Shanti, welcome. Aapka yahan aane ke liye bahut bahut dhanyawad. Thank you, Sister Sarah, parichay dene ke liye. Shanti, sabko bahut bahut pyar Korea se. व्यक्ति परिवार को, मम्मी बहन को, मोहिनी दीदी को. Thank you, sister. So to start us Thank off, you. Would you like to share with us how has your experience been serving तो आपका अव्यक्ति टीम एंजल और परिवार में अव्यक्ति परिवार में आपके रहने का आप अनुभव बताएंगे. तो सबसे पहले मैं सबसे पहले अपना अनुभव यहाँ पर पार्टिसिपेंट के रूप में बताना चाहूंगी कि मैं कि ये बाप दादा की ये बहुत स्पेशल ब्लेसिंग है कि ब्राह्मण फैमिली से मिलने का रोज मिलने का ये अवसर मिलता है. इस संगठन में बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मोहिनी दीदी का सुनते हैं. तो मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे डिवाइन सत्संग है, एक दैवी सत्संग है साकार बाबा के साथ. मोहिनी दीदी को देख करके वैसे ही फीलिंग आती है जैसे साकार ब्रह्मा के बाप सामने बैठे हैं और उनके प्यार के वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं मेरे पास. तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव होता है मेरे दिल से. So beautiful. जैसे ये अनुभव मैं बता रही हूँ, ये बहुत सुंदर बात बताई आपने. Yes, and also being a part of Abhyakti Parivar. Abhyakti team. I feel Abhyakti Parivar is. मुझे लगता है कि. Here we find our dreams and. Abhyakti Parivar जैसे एक सपनों की दुनिया है यहाँ. यहाँ पर हमें खुशी मिलती है, हमारा मनोरंजन होता है. मई 8th में अव्यक्त मौली में बाबा ने कहा था कि तपस्या मौज है. तपस्या मौज, मौज मनाना है. तो मुझे लगता है कि अव्यक्ति टीम मुझे बहुत खुश करती है. बाप दादा का मैसेज, मोहिनी दीदी की क्लास, दादी की क्लास, मम्मा की मुरली, डेली होमवर्क, ये जैसे हम इससे हमारा एंटरटेनमेंट होता है. फिर हम तपस्या भी करते हैं साथ साथ. तो अव्यक्ति टीम की बहुत भाई बहन पर्दे के पीछे बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं. तो ये बाबा का ही जैसे एक जादू है. मैं मानती हूँ कि ये बाबा का ही जादू है, कि बाबा की ब्लेसिंग है कि हम सब यहाँ साथ में आते हैं, हर रोज आते हैं, हर शाम को आते हैं और हम कितना कुछ सीख रहे हैं वीडियो से और ये सब से. तो ये सब ब्लेसिंग ही है हम सब के लिए. तो बाबा ने आपको इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ट्रांसलेटर. क्या आप बताएंगे ट्रांसलेटर होने का आपका अनुभव कैसा है? मेरा अनुभव बहुत ही सिंपल है. अनुभव मुझे लगता है जैसे मैं एक साक्षी दृष्टा हूँ व्यक्ति परिवार के एंटरटेनमेंट के सीन में. बस ऑब्जर्व कर रही हूँ. मैं इंग्लिश से कोरिया में ट्रांसलेट करती हूँ तो मेरा एंटरटेनमेंट होता है और मैं बहुत कुछ सीख भी रही हूँ. टीम से बहुत से कुछ सीख रही हूँ, मोहिनी दीदी से और पूरे परिवार से भी सीख रही हूँ. बस मैं बहुत अच्छा मैं फील कर रही हूँ कि आप रियली में उड़ रहे हैं. बाबा कहते हैं आज के होमवर्क में जैसे हम उड़ती कला में रहते हैं तो हम सब का भला करते हैं और हमारे अंदर एक रस स्थिति रहती है तो सबका भला होता है. तो आपका इस प्रैक्टिस से, इस अभ्यास से आपका क्या अनुभव है?
जब मुझे ये होमवर्क मिला कल तो मैंने अपने आप को कहा कि सबसे जरूरी चीज जो है मेरे लिए वो है मेरी स्वस्थिति। तो मैं कुछ भी कैसे भी किसी भी चीज से मैं अपनी स्थिति को नीचे नहीं करूंगी। तो सारा दिन मैंने अटेंशन दिया इसी पर। लेकिन वैसे सबको पता है कि कुछ हुआ, जैसे हो ही जाता है कुछ ना कुछ, तो कुछ हुआ दिन भर और मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही थी। तो मैंने फिर उस समय अपने आप को रोका और मैं बैठी, बाबा को मैंने याद किया that Baba was saying to me, और मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा कह रहे हैं मुझे कि बच्चे बस उड़ते रहो और जब विघ्न आते हैं तो आप और भी ज्यादा ऊंचा उड़ते हैं और उड़ते उड़ते सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं और भी ऊंचा उड़ सकती हूँ। तो मुझे शक्ति मिलने लगी शिव शक्ति की तरह बाबा से और मैं उड़ती रही। बाबा की बाबा ने जो कहा उस स्मृति के साथ मैं उड़ती रही। तो ये डाउन की फीलिंग जो थी वो चली गई। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ मुझे। ये तो बहुत सुंदर है। विघ्न तो आएंगे लेकिन हमको तो बस ऊंचा उड़ते ही रहना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है। एक लास्ट प्रश्न आपके लिए अव्यक्ति परिवार के बारे में आपको कब पता चला और कब आपने ज्वाइन किया? 2 साल पहले कोरियन फैमिली ज्वाइन कर रही है अव्यक्ति परिवार से। शुरू में हम नहीं कर रहे थे पार्टिसिपेट, एक उसी समय नहीं करते थे लाइव, उसी समय जब अव्यक्ति परिवार जब उसका ट्रांसमिशन होता है उस समय नहीं करते थे। लेकिन हम सुनते थे, यूट्यूब से सुनते थे। लेकिन फिर बाद में हमने ये डिसाइड किया कि हम लाइव सुनेंगे। फिर हम रोज पार्टिसिपेट करते हैं और मैंने ये देखा कोरियन फैमिली से जो फीडबैक मिला तो उनको बहुत बहुत प्यार मिलता है, अनुभव होता है बाबा से और मोहिनी दीदी से और पूरे परिवार से। सबको यही लग रहा है कि उनकी धारणा जो है वो बहुत अच्छी हो रही है, उसमें बहुत अंतर पड़ रहा है। तो इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। तो आप ज्वाइन करते रहें, बहुत अच्छा लगता है आप सब ज्वाइन करते हैं। तो और उस समय तो आप लोगों के लिए सुबह का टाइम है ना? Yes. सुबह का समय होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आप कल का होमवर्क पढ़ना चाहेंगे? Also say thank you so much, sister. And मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि आप व्यक्ति परिवार के सदस्य हैं। तो व्यक्ति परिवार की ओर से आप सबको धन्यवाद देते हैं। कोरियन फैमिली, थाईलैंड फैमिली हमारे बहुत नजदीक हैं, ऐसा हमें फील होता है। तो हमारा याद प्यार दें कोरियन फैमिली मेंबर्स को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी से भी, दीदी भी अपना याद प्यार दे रहे हैं सबको। सब खुश हैं आपको देख करके, सब बहुत खुश हैं। एक प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगी, तो ये पवित्र आपका नाम शुरू से ही ऐसा नाम था या आपको नाम दिया गया? This is a Korean name. ये कोरियन नेम तो नहीं है, कोरियन नाम तो नहीं है। ये मेरा रूहानी नाम है, पवित्र नाम है, बाबा से मुझे मिला। बाप दादा से नहीं, लेकिन सीनियर से मुझे ये नाम मिला। That's great. बहुत अच्छा। Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद।
You can take the homework. Thanks. Zeal and enthusiasm, the flying stage. Mangutsa, Urti Kala, Shiv Shakti. I'm not an ordinary soul. Main sadharan atma nahi hun. Main Shiv Shakti hun. Baap mera aur main Baba ki. Isi smriti mein raho to kabhi bhi akelapan अनुभव नहीं होगा, कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, सदा उमंग उत्साह रहेगा। शिव शक्ति का अर्थ ही है शिव और शक्ति कंबाइंड, जहां सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला बाप है, वहां सदा ही उमंग उत्साह साथ है। Om Shanti. Zeal and enthusiasm, the flying state. Utsa Urti Kala. Shiv Shakti. I am not an ordinary soul. Main sadharan atma nahi hoon. Main Shiv Shakti hoon. The Father is mine, and I belong. Baba mera aur main Baap ki. Maintain this awareness. इस स्मृति में रहो तो कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं होगा। You will never be disheartened. दिल शिकस्त नहीं होंगे। You will constantly have zeal. सदा उमंग उत्साह रहेगा। The meaning of Shiv Shakti. Shiv Shakti ka earth hi hai. Shiv aur Shakti combined. Where there is the Almighty, Sarv Shaktivan, hazar bhujaon wala baap hai, wahan sada hi umang utsaah saath hai. उमंग उत्साह उर्ति कला शिव शक्ति मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ मैं शिव शक्ति हूँ बाप मेरा और मैं बाप की इसी स्मृति में रहो तो कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं होगा कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे सदा उमंग उत्साह रहेगा
शिव शक्ति का अर्थ ही है। शिव और शक्ति कंबाइंड। जहां सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला बाप है, वहां सदा ही उमंग उत्साह साथ है। ओम शांति।